ये देखो सर, ये सिंगल लाइन होती है ना, ये लाइन है सर इसे। अच्छा ये जो लाइन होती है ये एक होती है, ये असली फॉर्म में ऐसे होता है, ये पेड़ों से निकलता है ना तो ऐसे निकल। सुबह अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते पे, यहाँ पर ये मार्केट का एरिया है, तो दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं जैसे नॉर्मली किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर होती हैं। और फिलहाल हमारे दिमाग में तो अभी तक वही चल रहा है कि जो पहले 10-12 साल पहले हम बद्रीनाथ धाम जाया करते थे वो कैसा था और वो कहाँ रुके थे, कैसी जगह थी। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब जैसे कि आपको दिखा रही है रुद्राक्ष का दूसरा रूप जिससे रुद्राक्ष कन्वर्ट होता है। सो एक्चुअल रुद्राक्ष इस फॉर्म में आता है, उसके बाद उसको घिसने के बाद इस तरह का बनाया जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, याद रखना। तो क्रेडिट देने के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर करो। ये असली फॉर्म में ऐसे होता है, ये पेड़ों से निकलता है ना तो ऐसे निकलता है। रुद्राक्ष का वृक्ष होता है ना, इसे छीला जाए। हाँ जी, छील के निकलता है। तो ये तो फिर नकली होने के चांस ही नहीं, असली है ना। तो लो जो कहते हैं ना कि देखो असली रुद्राक्ष है वो लाखों का आता है, करोड़ों का आता है, तो देखो रुद्राक्ष असली आता है। और कोई नकली बनाने भी इतना टाइम कितने का मिल जाता है ये मैडम हम पेड़ खरीदते हैं। नहीं ये ये मैडम 50 रुपए का एक पीस। 50 देख लो गाइस, यहाँ पे आ जाओ ना, आपको 50 रुपए में एक शुद्ध। चलो हम तो पहले मार्केट का राउंड ले लेते हैं, शॉपिंग के लिए बाद में आएंगे। तो मैं जाऊंगी थोड़े से ना। हाँ। अभी थोड़ा घूम लेते हैं हम लोग, है ना। ये भी दुकान अपनी है, वो भी दुकान अपनी। अच्छा, एक मुखी भी है हमारे पास ओरिजिनल। अच्छा, फल में तो एक एक मुखी का पेड़ अलग होता है या? हाँ अलग होता है। क्या एक में से कहीं से भी निकल सकता है? वो पेड़ ही अलग होता है। अच्छा, तो वो क्या एक मुखी का मतलब क्या होता है, कैसा दिखता है? सर एक लाइन होती है, जैसे ये देखो सर, तो लोगों को भी आइडिया लगे ना कि किस तरह का होता है। ये देखो सर, ये सिंगल लाइन होती है ना, ये लाइन है सर इसमें। अच्छा ये जो लाइन होती है ये एक होती है और दूसरे वाले में पंचमुखी है। अच्छा अच्छा, दूसरों में बहुत सारी लाइन है, ये पांच मुखी है सर। सो देखो गाइस, ये जो लाइन है ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन और पांच लाइन, तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष है और ये एक मुखी रुद्राक्ष है। इसको पानी में डाल के रखना है सर? मैडम ऐसा होता है ना, सूखा हो जाता है ना थोड़ा। अच्छा अच्छा, ही लगता है। तो गाइस देखो, मैं भी सुनता था एक मुखी रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी होता है, लेकिन उसमें कैसा दिखता है, कैसा फर्क होता है, ये आपको आज हमने एकदम प्रत्यक्ष दिखाया। देखो तो ये जानकारी सब होनी चाहिए जब भी हम ले, ताकि कोई भी आपको पागल ना बनाए। ना ना, ओरिजिनल फल है, इसमें पागल बनने का मतलब नहीं। और ये एक्चुअली पेड़ नहीं, आपको नहीं सर, हमारे कार्ड है, ऑनलाइन वगैरह कुछ भी मंगवाना हो, ऐसी कोई दिक्कत। तो भैया ने अच्छी जानकारी दी हमारे को, हमारा कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वगैरह मंगवाना मिल जाएगा आपको। और देखो ये असली फॉर्म में होता है तो नकली होने का तो चांस ही नहीं कोई। ये इसके अंदर से निकलता है बेटा, देखो जरा, ये अभी देखो, ये ऐसा है, अभी इसको तोड़ने के बाद देखो ऐसा निकल रहा है अंदर से, तो ये ऐसा घिसने के बाद ऐसा हो जाएगा, इसको ब्रश पे घिसा जाएगा। हाँ तो चलो गाइस आगे चलते हैं, हम और मार्केट दिखाते हैं। ठीक है जी, आओ। तो मार्केट में तो अच्छी खासी भीड़ भाड़ है और अभी फिर हम लोग रुके एक दुकान पे। चलो नहीं, मैंने बोला था ना एक रास्ता लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, तो जो लेफ्ट जाएगा वो मंदिर के लिए जाएगा, हम पहले यहीं से आए थे। तुम इधर जा रहे हो पहले, इधर जाए राइट जाए।
मार्केट देख के आए हम कहीं। हेलो सुरेश, देखिए यहाँ से दूर से आपको दर्शन कराता हूँ फिलहाल बद्रीनाथ मंदिर के। ये बद्रीनाथ मंदिर का प्रमुख धाम है और यहीं पर हम लोग जाने वाले हैं, जल्दी जाएंगे। हाँ तो फिलहाल हम थोड़ी देर में वहाँ पर ही जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैनल का नाम क्या है? चैनल अभिनव मिश्रा व्लॉग। अभिनव मिश्रा व्लॉग नाम में गलत काम कर रहा है। सो गाइस देखिए यहाँ से मैं आपको एक अच्छा सा नज़ारा दिखाता हूँ। ये इस पॉइंट से आपको पूरी गंगोत्री नदी भी दिखेगी और पूरे उफान पे है, तेज धाराएं बह रही हैं और कितना ज़्यादा वेग है आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है तप्त कुंड है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पॉइंट आउट करके। यहाँ तप्त कुंड है, जाएंगे एकदम गर्म पानी रहता है। नहीं तप्त कुंड ये है, देखिए ये वाला तप्त कुंड है। तो यहाँ हम जाएंगे, इसमें एकदम गर्म पानी नेचुरल मिलता है और गाइस इतना गर्म होता है ना कि बंदा जल जाए। हम लोग तो गए वहाँ पर तो एहसास है इस चीज़ का और आपको भी दिखाएंगे जब जाएंगे। तो फिलहाल तो आज मार्केट वगैरह घूमेंगे क्योंकि मंदिर का काम एकदम फुर्सत का करते हैं। शाम को भी जाएंगे, देखते हैं, बनाएंगे प्रोग्राम। और ये नर नारायण पर्वत है जिस पर हम लोग एक बार घूम चुके हैं और उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करते थे तो उस टाइम की कोई फुटेज हमारे पास है नहीं। तो फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। भैया और आगे घूमने लायक क्या क्या है इधर? ये ऐसी दुकानें हैं, बाकी दुकान नहीं है। मार्केट तो इधर ही है। अच्छा, इधर मार्केट नहीं है। इधर मार्केट नहीं, इधर बस वही है कुकुन वगैरह भी है। अच्छा अच्छा, एक पुल ये है और एक पुल वो है। ये नया बना है क्या? ये नया बना है। अच्छा, तो यहाँ पर भी एक पुल बन चुका है। देखिए हम पहले उस वाले पुल से जाया करते थे, अभी भी उसी से जाएंगे। तो मीनवाइल आपको पूरे नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के। चले तो कोई भी नज़ारा मिस नहीं होना चाहिए, इसने आपको बीच बीच में चीज़ें दिखाते जाते हैं हम क्या देख रहे हैं। ये दो मुखी है, एक मुखी भी है। एक मुखी कितने का आता है? 1150 रुपये। ये कौन सा है? ये चंद्रशेखर मैंग मुखी है। अच्छा, चंद्रशेखर क्या होता है इसको बोलते हैं? हाँ चंद्र, लेकिन किस कारण बोलते हैं? आपकी नसीब का कुछ भी निकल सकता है। अच्छा, मतलब एक मुखी भी निकल सकता है जो आपकी नसीब का। ये हरे है लेकिन अभी है ना? हाँ जी, खोलेंगे तो मिलेंगे ना। नहीं ये हरे है ना, बाद में ऐसे हो जाते हैं। अंदर हरा चीज निकले आपकी जो अच्छा की, जो आपकी किस्मत होगा वही मिलेगा। अच्छा चलो अभी फिलहाल घूम लेते हैं। फिलहाल घूम लेते हैं, अभी तो घूमने आए हैं। दोबारा मंदिर अभी कल जाए, आज या कल जाएंगे शाम को। हाँ यूट्यूब चैनल है हमारा, देखना। चलो ठीक है। कौन सा चैनल?